गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TSN क्लास सिक्स साइंस सेशन. सो इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वाटर एंड हाउ मच वाटर डू वी यूज. सो टुडे वी आर एट पेज नंबर 137, लेफ्ट हैंड साइड, 14.2 टॉपिक, फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर. हमने ये डिस्कस कर लिया वाटर यूज़ कैसे कहाँ कहाँ करते हैं, पर वाटर एक्चुअली में आता कहाँ से है. Where do you get the water that we use? Some of you may say we drew water from the rivers, spring, pond, well or hand pump. अब कई ऐसे लोग हैं जिनसे अगर हम इस चीज़ पर डिस्कस करें कि पानी आया कहाँ से है, तो सब ये बोलेंगे कि हम लोग रिवर्स से, स्प्रिंग से, ऐसे सब पांच जगह से पानी हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, पर पानी वहाँ कैसे आता है? सम अदर में से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप. कई ऐसे होंगे जो बोलेंगे अरे हम तो टैप से पानी यूज़ करते हैं, नल से पानी यूज़ करते हैं, पर कहाँ से आता है पानी? हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम? टैप के टैप तो टैप से काम में ले रहे हो, पर टैप में भी कहाँ से आ रहा है पानी? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द लेक्स और रिवर्स और अ वेल. इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स. वाटर हम जो टैप से काम में ले रहे हैं वो भी कहाँ से आ रहा है? रिवर्स से, लेक से, पॉन्ड से, यहीं से ही आ रहा है. लेकिन उन रिवर्स, लेक्स और उनमें पानी कहाँ, उनमें भी पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है? पहले तो आप ये समझिए कि जो टैप है, टैप से जो पानी हम लोग लेक, रिवर से सप्लाई कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू हो रहा है? पाइप्स के थ्रू हो रहा है, नेटवर्क ऑफ पाइप्स के थ्रू हो रहा है. जैसे रिवर से एक पाइप लगा है जो हमारे घर तक पानी लाता है, उस मतलब कॉलोनी में लाता है बेसिकली, या स्टेट में लाता है. अब उस स्टेट से भी कॉलोनीज में बंटता है, कॉलोनीज से फिर हमारे घरों में बंटता है. पाइप का नेटवर्क बना हुआ है. ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू आर होम्स इन डिफरेंट वेज. अब हमारे जो घर में है वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आता है. ऐसे नहीं घर में भी सबके एक ही तरीके से आता है, घर में भी अलग अलग तरीके से आता है. बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स सच एज पॉन्ड, लेक, रिवर एंड वेल. पॉन्ड, लेक, रिवर और वेल, इन सब जगहों से ही पानी आता है. वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दीज पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. अब हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली कि रिवर, पॉन्ड, लेक से आता है हमें पानी, पर वहाँ पे भी कहाँ से आता है? हम अगर वहाँ से लेते रहेंगे ऑब्वियसली किसी दिन तो वो सूखेगा ही, ख़त्म होगा ही, पर आ कहाँ से रहा है उसमें भी? ताकि वो इतने सालों से चल रहे हैं और सूखे नहीं हैं, इतने सालों से चल रहा है तो उसका क्या रीज़न है? बूजो वॉन्ट यू टू इमेजिन अ डे इन योर लाइफ वेयर वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स इज़ नॉट अवेलेबल. So you have to fetch it from a far away place. Would you use the same amount of water as on any other day? अगर आपको एक सिचुएशन दी जाए कि आपके घर में आपको 24 घंटे के लिए पानी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आपको सब पानी अगर लेके टैप से नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली मटकी या कुछ ऐसा चीज़ें लेके जाएंगे, घड़े लेके जाएंगे, बाल्टियाँ लेके जाएंगे, और पानी लेके आएंगे कहीं से, लेक से, कुएं से, कहीं से तो लेके आएंगे. आपको क्या लगता है आप दिन भर में अभी जितना पानी टैप से आ रहा है यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आप उस टाइम भी उतना ही पानी यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहता. तो जहाँ हम पानी का वेस्टेज कर रहे थे, हम वो वेस्टेज बचा लेंगे और कम से कम पानी यूज़ करेंगे, ताकि हमें कम मेहनत करनी पड़े लेके आने के लिए. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में बच्चों, कि अगर आपको फ्री में कोई चीज़ मिल रही है, ईजिली मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको एक्सप्लॉइट करोगे, ठीक है. सो नाउ वी आर एट पेज नंबर 138. अगर बुक प्लीज़ आप खोल के रखें, क्योंकि कई सारी ऐसी लाइन्स होती है जो अंडरलाइन करनी होती है. ओके, डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. आप लोगों को ये पता है कि 2/3, सोच रहे अगर हम अर्थ का 3 पार्ट करें, उसमें से 2 पार्ट क्या है? पानी है. और 1 पार्ट, जो 1/3 पार्ट है, वो क्या है? लैंड है. मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशन एंड सीज. ज़्यादातर अमाउंट ऑफ पानी या अमाउंट ऑफ वाटर इज इन लेक्स एंड सॉरी सीज एंड ओशन. दो ऐसी वो हैं वाटर बॉडीज हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी रहता है. लेक्स और पॉन्ड का अमाउंट कम है. द वाटर इन द ओशन एंड सीज हैव मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट. क्या डिजॉल्व हुआ हुआ होता है बच्चों? पानी के अंदर जो ओशन और सी में पानी होता है, उसमें क्या अवेलेबल होता है? सॉल्ट बहुत ज़्यादा डला हुआ होता है.
द वॉटर इज सलाइन. वॉटर कैसा है? सलाइन है. उसको सलाइन बोलेंगे जिसमें नमक ज़्यादा होता है, उसे क्या बोलते हैं? सलाइन. सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड. पानी आप इतना खारा पानी आप पी नहीं पाएंगे, ना ही एग्रीकल्चर के काम आता है, ना जानवर इसे पी सकते हैं, ना डोमेस्टिक घर में काम आता है, ना इंडस्ट्रियल नीड्स में काम आता है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है जो उसको पूरी तरीके से ख़राब कर देता है. यू माइट हैव लर्न द फेमस सॉरी हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशियंट मैरनर. आपने ये जो पोएम है ये सुनी होगी, काफ़ी फेमस लाइन है ये. और इन्होंने ये किससे लिखी गई, किसने लिखी है? एस टी कॉलरिज इन 1798. कॉलरिज करके, एस टी कॉलरिज करके कुछ राइटर थे, उन्होंने ये लिखी थी राइम ऑफ द एंशियंट मैरनर. उसमें एक बहुत फेमस लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रिप सॉरी ड्रॉप टू ड्रिंक. अब हम इसको एलैबोरेट करते हैं. वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी है, आप ओशन के बीच में खड़े हो, हर जगह पानी है, लेकिन एक भी ड्रॉप पीने के लिए नहीं है, क्योंकि आप वो पानी पी ही नहीं सकते, क्योंकि सलाइन होता है, मतलब खारा होता है. हियर द पोएट हैव डिस्क्राइब्ड द प्लाइट ऑफ सेलर्स ऑन द शिप लॉस्ट इन द ओशन. ओशन के अंदर जो शिप खो जाती है, क्योंकि ओशन में कोई लैंडमार्क तो होता नहीं है, तो ओशन में खो जाती है, तो इसी वजह से जो वहाँ पे सेलर्स होते हैं उनकी दिल की बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि पानी हर जगह है लेकिन पीने के लिए एक ड्रॉप भी नहीं है. येट ओशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज. ओशन फिर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वाटर सप्लाई के लिए. कैसे? अब हम ये स्टडी करेंगे. यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज इज़ नॉट सॉल्टी. जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं घर में वो बिल्कुल सॉल्टी नहीं होता है. मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशन. ओशन से बहुत दूर रहते हैं हम लोग. राजस्थान है वो ओशन से बहुत ज़्यादा दूर है. डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशन? अब जो पास वाली स्टेट्स हैं या पास वाली जो कंट्रियाँ हैं ओशन के, वो तो समझ में आता है कि मे बी किसी भी फॉर्म में वो पानी यूज़ कर सकती है, लेकिन ऐसे स्टेट या कंट्री जो ओशन से दूर हैं, क्या वो भी डिपेंड करती है ओशन पे? हाउ डज द ओशन वाटर रीच पॉन्ड लेक्स रिवर्स एंड वेल? अब जो ओशन का पानी है, ऑब्वियसली जो लेक्स रिवर्स है ना, वो खाली हो जाते हैं अगर हम बहुत टाइम तक यूज करते रहेंगे, लेकिन वो खाली तो नहीं होते. हम रोज काम में लेते, इतने लोग काम में लेते हैं और इतना पानी वेस्ट करते हैं, फिर भी लेक और पॉन्ड में पानी खत्म नहीं होता है. कैसे? वो ओशंस के थ्रू आता है, डायरेक्टली नहीं आता, बट इनडायरेक्टली ओशन से ही आता है. How come the water from these sources is not saline anymore? जो पानी ओशन से लेक में आ रहा है वो कैसे सलाइन नहीं है? कैसे उसमें नमक खत्म हो रहा है या कम हो रहा है अमाउंट? That is where the water cycle comes in. अब जो हम पढ़ेंगे वो water cycle पढ़ेंगे कि water actually में कहाँ से आ रहा है, ओशन से लेक तक कैसे पहुंच रहा है, और वो बेसिकली पूरा जो हमारा प्रोसेस है वो हम स्टडी करेंगे इन आर नेक्स्ट सेशन. टिल देन प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क, आई विल बी सेंडिंग यू नोट्स. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. टेक केयर.